नमस्कार मेरे प्यारे साथियों साथियों, मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों आइए आज इस वीडियो में हम बात करें कि व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद तुरंत बाद क्या होता है, कहाँ जाता है, क्या होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊं कि ये सब मैंने कहाँ से जाना। तिब्बत के महान संत जिनके बारे में मैं बात करता रहता हूँ और कई वीडियोस बनाए हैं, उनसे मैंने जाना, उनकी किताबों से। वो पहुँचे हुए संत थे, उनका आप ये कह सकते हो कि वो एक अवतार थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी किताबें जब पढ़ोगे ना तभी आपको पता चलेगा, पहुँचे हुए संत थे, उनके अंदर काबिलियत थी आध्यात्मिक। कई जो भी बातें लिखी हैं टेलीपैथी के बारे में, क्लेयरवॉयंस के बारे में, तीसरा नेत्र खुला हुआ था उनका, बड़े उच्च स्थिति थी उनकी आध्यात्मिक। तो उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। अब उन्होंने कहाँ से जाना, कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा। तो देखिए, उन्होंने ही लिखा है और जगह भी ये इस चीज का वर्णन है कि एक आकाशिक रिकॉर्ड है। आकाश तत्व जो है ना सूक्ष्म, उसके ऊपर हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। करोड़ों व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पे, सबका, सब इंडिविजुअल्स का लाइफ, एक एक क्षण वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। इसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। उस आकाशिक रिकॉर्ड को देख पाना, उसको इंटरसेप्ट कर पाना, ये सबके बस का नहीं है भाई। ये तो प्रभु द्वारा जिसको ये मिली हुई है शक्ति कि वो आकाशिक रिकॉर्ड को देख सकता है किसी भी व्यक्ति के। आमतौर पे किसी दूसरे व्यक्ति का आकाशिक रिकॉर्ड व्यक्ति नहीं देख सकता, प्राइवेसी है सबकी। लेकिन जो पहुंचे हुए संत हैं लोबसंग रामपा जी जैसे, उनको अगर दूसरों के भले के लिए, जैसे ये उन्होंने किताबों में लिखा था कि दूसरों को भी पता चले, विश्वास हो, तो वो देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में क्या घटना घटी, क्या नहीं हुआ, क्या सच्चाई है, वो देख सकते हैं। तो लोबसंग रामपा जी ने ये सब लिखा है अपने अनुभव से, ये सच्चाई है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी कई बार वीडियोस हैं और इन बातों के ऊपर के भी, मृत्यु के बाद क्या होता है, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, इस तरह की कई बातों के बारे में तीन चार व्यक्ति बैठे हैं, उसमें कई बुद्धिजीवी हैं और कोई सो कॉल्ड गुरु भी हो सकता है उसमें। वो आपस में बैठे बहस कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। अनुभव नहीं है सबके, मतलब सबने कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ पढ़ा है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, कुछ नहीं। ये हकीकत तो वो नहीं जानते ना, सच्चाई क्या है। लेकिन जो संत महात्मा, पहुंचा हुआ संत महात्मा या अवतार, जिसको भगवान द्वारा ये काबिलियत दी गई है कि वो आकाशिक रिकॉर्ड देख सकता है, वो तो सच्चाई बताएगा फिर। और लोबसंग रामपा जी स्वयं भी आध्यात्मिक, इतनी उन्नति थी उनकी कि उनका तीसरा नेत्र भी खुला था और वो किसी भी डायमेंशन में जा सकते थे कभी भी। तो मृत्यु के दूसरी ओर वो स्वयं भी गए हैं, उन्होंने पुस्तकों में लिखा क्या होता है, क्या नहीं होता। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो लिख रहा है वो तो सच्चाई है ना। अब आप मानते हो कि नहीं मानते हो, ये आपके आध्यात्मिक स्तर के ऊपर है, आपकी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। मैंने एक वीडियो बनाया ना अभी, भगवान कृष्ण का एक पोस्चर है त्रिभंग मुरारी, उसमें मैंने ये जिक्र किया है। तीन ग्रंथियां हैं, सात तो हमारे चक्रास हैं, तीन ग्रंथियां हैं जिनका भेदन होना जरूरी है। तो हृदय चक्र के, हृदय के पास जो चक्र है जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, वहां एक ग्रंथि है जिसको विष्णु ग्रंथि नाम दिया है। उसका भेदन जब तक नहीं होता ना, तो व्यक्ति में संशय बने रहते हैं, खासकर इन आध्यात्मिक बातों की ओर मानता नहीं हो। ठीक है, तो आपके क्या, आपका आध्यात्मिक स्तर है उसके हिसाब से, अब मानो ना मानो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। लेकिन अगर आप ये मानते हो, ओपन माइंड रखते हो, देखिए
हर धर्म में मृत्यु के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ वहां पे झलक दी हुई है, गलत भी है वैसे ही, गपशप भी है। तो आप किस धर्म के मानने वाले हो? हो सकता है आपका जो धर्म आपने पढ़ा है वो मरने के बाद ऐसे परियां होती हैं, ये होता है वो होता है, तो वैसा ही वहां सीन क्रिएट होगा आपके लिए जैसा आपकी मान्यता है। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको लगेगा, अरे यार ये क्या है, सच्चाई क्या है? अब कई लोग जो ये मानते ही नहीं कि भाई मृत्यु के बाद जीवन है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। वो तो ये मानते रहे पूरा जीवन के भाई जब मैं मर जाऊंगा तो कुछ नहीं, खत्म। लेकिन वो तो कहते हैं, अरे मैं तो जिंदा हूं, नीचे लोग रो रहे हैं सब कर रहे हैं, पर मैं तो ठीक ठाक हूं। मान लीजिए उसको कोई गंभीर बीमारी थी, अब मरने के बाद तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और आत्मा से अटैच है, उसको तो कोई बीमारी नहीं है। मैं बीमारी तो फिजिकल बॉडी में थी, तो बिल्कुल स्वस्थ है वो, जवान फील कर रहा है। वो कहता मैं तो ठीक ठाक हूँ, ये रो क्यों रहे, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो मानता था कि मृत्यु के बाद जीवन ही नहीं है। उसको बड़ी दिक्कत होती है। वो फिर वहां पे जैसे लॉक संग रामपा जी ने लिखा है, सूक्ष्म जगत में शरीर छोड़ने के बाद वो अंधेरे में पड़ा रहता है, अज्ञानता का अंधेरा सा है, कीचड़ सा, काला सा अंधेरा उसमें पड़ा रहता है। लेकिन जब उसके मन में आता है, अरे भाई कोई मेरे को बताओ हकीकत क्या है, तब जो हेल्पर्स है ना वहां पे, हेल्पर्स है, वॉलेंटियर्स है वहां के भी हैं, और आपके परिवार में जो पूर्वज ऊपर गए हुए हैं वो भी, उन सबको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कब कहाँ आने वाला है, वो पहुंच जाते हैं पहले। लेकिन वो हेल्प नहीं कर पाते जब तक आप व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु होगी वो चाहे ना, वो अज्ञानतावश अगर उस अंधेरे में पड़ा है, नहीं मानता हकीकत को, तो वो हेल्पर उस तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब वो कहता है कि भाई मेरे को बताओ मैं जानना चाहता हूं, तब वो अंधेरा छट जाता है, रोशनी दिखाई देती है। फिर तो वहां पे सुंदर है बहुत, वहां का जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, सूक्ष्म जगत है, बहुत बढ़िया है वो। तो उसको वो हेल्पर्स पास आ जाते हैं, उसको समझाते हैं। अब वो बीच में अगर नहीं समझता तो फिर वो चले जाते हैं। अब वहां बहस नहीं करते, कोई फोर्स नहीं करेगा, आर्गूमेंट्स नहीं करते। अगर वो व्यक्ति आर्गुमेंट कर रहा है, नहीं भाई मैं तो नहीं मानता, वो कहते हैं ठीक है नहीं मानता, ठीक है हम जा रहे हैं, जब तुम्हारा मन होगा तो बुला लेना, तब वो आते हैं, तब उसको समझाएंगे। अब देखिए सबसे बढ़िया वो व्यक्ति रहता है जो ओपन माइंडेड है। मैं ये नहीं कहता क्या मान के चलो, आपके धर्म ग्रंथ क्या है कह रहे हैं या आपने क्या सुना पढ़ा, उसको नहीं। आप अपने माइंड में ये रखो, अगर आप ये बातें नहीं मानते जो लोग संग रामपा जी जैसे बता रहे हैं, मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप इनको ऐसे नहीं मानते, तो आप ओपन माइंड रखिए। ओपन माइंड का मतलब कि अपना मन खुला रखिए, भी ठीक है जो भी होगा मेरे साथ हकीकत में मैं उसको मंजूर करूँगा, मृत्यु के बाद जैसा भी होगा वहाँ सच्चाई सच्चाई ही जानना चाहूंगा, और जो भी सच्चाई मेरे साथ घटित होगी मैं उसको मानूंगा, जो वॉलंटियर्स वहां बताएंगे मैं उन चीजों को भी विश्वास करूंगा, तब आप बढ़िया रहोगे। अब मान लीजिए एक चीज और, वो कहते हैं कि जैसे आप व्यक्ति जिंदा है, ओल्ड है, या कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी है, मान लीजिए उसको हृदय की बीमारी है, तो धीरे धीरे हृदय जो है वो इतना वीक हो गया, आप काम करने लायक नहीं रहा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, तो दिमाग में भी ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन जाती है, तो दिमाग भी डल हो गया, वो ऐसी स्थिति हो जाती है उस समय मृत्यु से पहले कि वो पेन वगैरह महसूस नहीं करता। कई लोग कहते हैं ना कि डेथ बड़ी पेनफुल है, पेनफुल नहीं है, डेथ का जो प्रोसेस है वो पेनलेस है। हाँ डेथ से पहले कोई बीमारी के कारण आपको पेन रही, तकलीफ रही, वो अलग बात है, लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू होता है मृत्यु का, वो पेनलेस है, देखने वाले व्यक्ति को लगेगा। अब मान लीजिए उसके अंदर से सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आत्मा से अटैच ये जो एंटिटी है, जैसे ही उसकी पल्स रुक गई, हृदय गति रुक गई, वो तो निकल गया बाहर, जो ड्राइवर है शरीर का वो तो बाहर निकल जाएगा, अब पेन किसने किसको महसूस होनी है। लेकिन देखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको शायद लगे कि शरीर में कुछ हलचल हो रही है, ये हो रहा है, उसके चेहरे के भाव ऐसे लग रहे हैं कि उसको पेन हो रही है, पेन नहीं हो रही, वो शरीर के अंदर की जो अपनी घटनाएं हैं, केमिकल सिस्टम है, जो भी है वो हो रहा है, वो व्यक्ति तो निकल गया बाहर, उसको कोई पेन नहीं है, तो डेथ पेनलेस है, एक बात ये। अब वो सूक्ष्म में पहुंच गया, अब आगे मैंने बताया जैसे कि जैसे उसको वॉलंटियर्स आ जाते हैं वो बताएंगे समझाएंगे।
अब हो सकता है कि मृत्यु उसकी जैसे हुई है या वो नहीं मानता था, तो उसको एक झटका सा लगता है ना कि मैं अब कहाँ हूँ, जिंदा हूँ, अरे भाई मैं तो जिंदा हूँ। तो हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छी ना हो। अब ये किसी का मर्डर भी हो सकता है, जैसे मान लो किसी ने उसको मारा है, मर्डर किया है, या एक्सीडेंट में उसकी अकस्मात मृत्यु हुई है, तो उसको ये एक मानसिक तौर पे वो स्टेबल नहीं है, तो उसको वहाँ पे उपचार किया जाता है। जैसे वहाँ पे भी हॉस्पिटल है, लेकिन वो इंजेक्शन लगा के, दवाइयाँ खिला के नहीं, किरणों द्वारा। वहाँ भौतिक जगत में किरणें हैं, एनर्जी है वातावरण में, उससे उस व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति को ऐसी हालत में ले आते हैं कि वो अच्छा महसूस करे, स्वस्थ हो जाए। उसके बाद वो उसको कहते हैं कि भाई अब ये जो है ना, ये प्रगेटरी बोला है उसको क्रिश्चियन बाइबल में, ये जगह जहाँ पे के उसके वो स्थिति ठीक होती है कुछ। और इसके अलावा कई व्यक्ति हैं बड़ी वो धौंस में होते हैं जब जिंदा होते हैं, अमीरी के कारण या और कारण, वो दूसरों को समझते ही कुछ नहीं। तो इनकी जो फॉल्स अपने बारे में मान्यताएं हैं वो भी वहाँ दूर होनी है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये नर्क नहीं है, इसको आप नर्क, कई लोग नर्क दे दिए, नर्क नहीं है, उसको समझना है भाई, बैलेंस आना है कि हकीकत क्या है। अब जितनी जल्दी मान जाएगा उतनी जल्दी वहाँ से छुटकारा है। फिर उसको जाना है, एक बहुत ही भव्य इमारत है वहाँ, जिसको लोबसंग रामपा जी ने नाम दिया है हॉल ऑफ मेमोरीज। वो वहाँ जाता है, अकेला ही जाएगा वहाँ, उस बहुत बड़ी एक अंदर इमारत है, उसके अंदर वो देखेगा सामने आकाश में एक ग्लोब, पृथ्वी लटक रही है, ऊपर से गिरेगा और कुछ दूरी पे आके पृथ्वी से वो अटक जाएगा। वहाँ फिर उसके सामने अपने जीवन की पूरी फिल्म चलेगी, जन्म से लेकर, माता के गर्भ से निकल रहा है बच्चा है, डॉक्टर ने उसको उल्टा पकड़ा हुआ है, वो मतलब रो रहा है, वहाँ से शुरू होगा। फिर वो फिल्म आगे बढ़ेगी, जहाँ जहाँ उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जहाँ गौर करने की ज़रूरत है, वहाँ रुकेगी फिल्म। अब मान लियो बड़ा हो गया, उसने किसी व्यक्ति को के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया, किसी का मर्डर कर दिया या कुछ किया, उस व्यक्ति पे क्या गुजरी उस समय, वो सारा दुख कष्ट अब ये भोगेगा वहीं पे। अब इसको आप नर्क कह लो। हमारे गरुड़ पुराण में जो दृश्य बताए गए हैं, पंडित लोग मृत्यु के बाद पाठ करते हैं, समझाते हैं, खून की नदियां बह रही हैं, वो व्यक्ति को उल्टा लटकाते हैं, ये है, कोड़े पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। वो उसको मतलब के ऐसे दर्शा दिया गया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो उसने दूसरों के साथ क्या किया, बुरा अगर बिहेवियर किया, उस व्यक्ति पे क्या गुजरी थी उस समय, उसने कितना दुख कष्ट इसके कारण भुगता, वो सारा इसके ऊपर आएगा, ये सारा वो महसूस करेगा, उसको जिएगा वहीं पे। अब इसको आप नर्क को या कुछ को, ये तो हकीकत है, आपने बुरा किया तो बुरा आपके ऊपर आएगा, इसीलिए तो कहते हैं ना बुरा मत करो किसी से, अच्छा किया तो आप अच्छा महसूस करोगे। वो फिल्म ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, जहाँ जहाँ उसको रुकना है वहाँ दृश्य रुकेंगे, और वहाँ पे क्या हुआ वो सारा। इसमें कितना समय लगता है, ऊपर समय का कोई किसी को आभास नहीं, कितना समय लगता है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर। पूरा जब वो सारा उसकी लाइफ देख लेगा, तो वो व्यक्ति स्वयं जज करेगा, अरे ये क्या कुछ मैंने किया, ये तो ये गलत किया, ये ठीक किया, अब मुझे दोबारा जाके पृथ्वी पे ये करने की जरूरत है नहीं है, वो खुद डिसाइड करेगा। लेकिन उसके मन में कई प्रश्न होंगे अभी भी, मैं ये करूँ ना करूँ, पृथ्वी पे जाऊँ ना जाऊँ, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे कई भी प्रश्न हो सकते हैं। तब वो बाहर आएगा जब हॉल ऑफ मेमोरी से, तो हेल्पर्स वहाँ बैठे हैं, पूरी हेल्प करेंगे, वो भी कुछ समझाएंगे। फिर उसके मन में जो प्रश्न है उनका हल चाहिए उसे, कि मुझे दोबारा जन्म लेना है नहीं लेना, सूक्ष्म में रहना है। फिर वहाँ पे काउंसलर्स हैं, उनके साथ मीटिंग होगी, बहुत एक्सपर्ट्स हैं वहाँ, उन्हें देवी देवता को कुछ कहो, उनके साथ मीटिंग होगी उसकी। वो फिर सारा, क्योंकि उनको पता होगा कि इसके इसने क्या देख के आया, वो कहे, वो सब उसको बताएंगे कि भाई इन चीज़ों के लिए तुम्हें जाने की जरूरत है, पृथ्वी पे जाना होगा, ये तुमने सीखना है। लेकिन ये जो बातें हैं, कई बातें, उसके लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है,
हाँ तुम चाहो तो जा सकते हो, क्यों उस व्यक्ति की अपनी इच्छा जो है ना वो सर्वोत्तम है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। वो कहे वो कहें काउंसलर भी इन कामों के लिए तुमने अधूरे छोड़े, नहीं जाने की जरूरत, लेकिन वो कहे नहीं मैंने जाना है भाई, पृथ्वी पे कई तरह के उसके लगाव हो सकते हैं, वो कहे मैंने जाना है, तो कहीं ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। अब ये डिसाइड होता है अगला जीवन में क्या सीखना है क्या करना है। जब ये हो गया तो वो जो काउंसलर्स हैं उनको पता है कि ऐसे एक्सपीरियंस जिसने जैसे उसने लेने हैं उनके लिए पृथ्वी पे कब कंडीशंस सही होंगी ताकि उसको उस तरह के एक्सपीरियंस हो पाए, उस तरह की लर्निंग हो पाए। वो 50 साल बाद होगी, 100 साल बाद होगी, 500 साल बाद होगी, उनको पता है। तो अब ये डिसाइड हो गया कि उसने पृथ्वी पे जाना है, अगर ये डिसाइड हो गया जन्म लेना है, लेकिन इतने सालों के बाद तो उतना समय वो सूक्ष्म में रहेगा। अब सूक्ष्म में भी वो खाली नहीं बैठ सकता, उसको मन में आएगा कि भाई कोई काम दो, तो काम भी मिल जाता है, वो काम दे देते हैं, कई तरह के काम है, अब यहां से बताना मुश्किल है। उसकी आध्यात्मिक स्तर क्या है उसके मुताबिक दूसरों की हेल्प करना या एज ए वॉलंटियर भी वो काम कर सकता है, कई तरह के काम वो मिल जाते हैं। उतना समय वो वहां रहेगा मजे में, और फिर उसके बाद जब उसका समय आ जाएगा नीचे आने का तो ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ, तो वो उसको एक जगह पे ले जाएंगे। फिर आगे क्या होता है इसके लिए वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लोकसंग रामपजी ने वो भी लिखा है सब। अब एक तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने आत्महत्या की, उनके साथ अलग है वहां ऊपर, क्योंकि भगवान की दृष्टि में आत्महत्या अपराध है। जो व्यक्ति प्लान करके गया कुछ साल की उसकी लाइफ प्लान हुई कि इसने भाई 70 साल या 80 साल जीना है, ये कार्य करने, अब पृथ्वी पे वो कंडीशंस ऐसी थी कुछ वो दुखी रहा या कुछ कंडीशंस हार्ड कंडीशंस थी, घबरा करके किसी भी कारण से उसने आत्महत्या कर ली, तो वो जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक वो नहीं जिया, जीना चाहिए था उसको, तो अब उसने आत्महत्या कर ली तो वो ऊपर गया तो उसको आना है, और उसको जल्दी से जल्दी आना पड़ता है। एक चीज और यहां बताएं कि समय का डिफरेंस है, टाइम का जो सिस्टम है ना पृथ्वी पे और वहां सूक्ष्म जगत में अलग है। कहते हैं कि वहां का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर मान लीजिए, तो अब वो मान लो कि उसको उसको फिर कहते हैं तुम्हें तो जाना पड़ेगा, लेकिन कई जिन्होंने सुसाइड किया है घबरा के यहां से वो नहीं आना चाहते कि मैं नहीं जाऊंगा, वो कहते नहीं भाई जाना पड़ेगा। वो बताते हैं उसको भी तुम्हारी 70 साल की आयु थी, तुमने 30 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली, 40 साल बचे हुए हैं, और जितना समय वो सूक्ष्म में डिसाइड करने में दोबारा माता के गर्भ में आने में लगाता है वो भी ऐड होगा अगले जन्म में 40 के। जैसे इस एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ कि 40 साल बचे थे, मान लीजिए एक साल ऊपर लगे, एक दिन ऊपर लगा उसको समझाने के लिए, तो वो एक साल यहाँ हो गया तो वो एक साल भी ऐड हो जाएगा, उसको अब 41 साल यहाँ जीना पड़ेगा, और खराब कंडीशंस में जिन कंडीशन से घबरा के गया था, क्योंकि उसको सीखना है कि मुश्किलों में भी कैसे रहना है, तो वो डिसाइड हो जाएगा। अब कई नहीं मानते नहीं जाना, उनको फिर जबरदस्ती भेजते हैं वो, कई बार चॉइस भी मिलती है कि भाई ये चार पेरेंट्स हैं थोड़ा झलक दिखा देते हैं कहाँ जाना चाहता है, वो नहीं डिसाइड करता तो फिर वो ऊपर जो काउंसलर्स हैं उनको पता है वो डिसाइड करते हैं, आदमी के रूप में जाना है मेल के रूप में या औरत के रूप में जाना है, ये भी डिसाइड होता है सब चीज़ें कैसे अनुभव लेने हैं, समझ गए। और अगर उसको पृथ्वी पे दोबारा आने की जरूरत नहीं है फिर सूक्ष्म में रहता है वो, वहां अलग जीवन है ना, ये मजेदार। सुसाइड ठीक नहीं, नेचुरल डेथ। और ये एक चीज और बताऊं मैं, हम मृत्यु के बारे में जब बात कर रहे हैं लोगों में ये भी भ्रम है कि भाई अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ, अब मैं इस थोड़ा सा समझाऊं, आत्महत्या तो भगवान को भी नहीं पता, पता नहीं कब ये घबरा के कर लेगा, ठीक है, और वो गलत है, वो अननेचुरल है। बाकी डेथ पहले प्री डिसाइड होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होनी है, किसी बीमारी से होनी है, या कोई इसका कत्ल करेगा, या एक्सीडेंट से होनी है, ये प्री डिसाइडेड है पिछले कर्मों के हिसाब से।
समझिए, ये सारे नेचुरल डेथ है। हाँ कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे मान लो बीमार था, डॉक्टरों की हॉस्पिटल में था, वो कोमा में चला गया या कुछ, तो डॉक्टरों की कुछ गलती हो गई, वो एक अलग बात है, वो बड़ा रेयर है, बड़े कम केसेस हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटल डेथ उसको कह सकते हो आप, जो उसके अपने कारण नहीं हुई, उसके डॉक्टर से कोई गलती होगी अनजाने में, तो डॉक्टर के ऊपर भी बुरा कर्म नहीं आएगा और वो व्यक्ति जिसके साथ ये हुआ उसको वो कंपेंसेट होगा, वो एक अलग बात है, रेयर है, लेकिन ये एक्सीडेंटल कह सकते हो। बाकी सभी तरह की डेथ आत्महत्या को छोड़ के नेचुरल डेथ है, समझिए। इसलिए मजे से जिए, मजे से आपको जीना चाहिए, जैसी भी कंडीशंस हैं, हार्ड कंडीशंस में ही तो लर्निंग होती है, निखर जाओगे, फिर निखर जाओगे और यहाँ से छुटकारा होगा, निर्वाण मिलेगा। घबराइए मत जीवन से, बुरी कंडीशन से तो कोई बात नहीं, वो आपके भले के लिए हैं, कुछ सिखाने के लिए हैं। उम्मीद है ये वीडियो, इससे आप लाभान्वित होंगे, और जब आपका समय आएगा ऐसी बातें जिनका आपको पहले पता नहीं था, ये आपको उस समय फ़ायदा दे सकती हैं। आप कंफ्यूज्ड हो वहाँ पे, आपको याद आ जाएगा, अरे लोबसंग रामपा जी ने ये लिखा था और मैंने ये सुना था, उससे आपका भ्रम दूर हो जाएगा, वहाँ की सच्चाई को जान पाओगे। और ओपन माइंड रखिए, मैं ये नहीं कहता जो मैं बता रहा हूँ इसको मानो, लेकिन अपने मन में ये निश्चय कर लो कि मैं इधर उधर से पढ़ी हुई बातों को नहीं, फिर मृत्यु के बाद क्या होगा, जो मेरे साथ हकीकत घटेगी मैं उसको मानूंगा, जो ऊपर जो मेरे हेल्पर्स हैं ऊपर जो मेरे आके समझाएंगे मैं उनकी बातें मानूंगा, तब आप सुखी होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ा होगा मृत्यु के बारे में, और इसके बारे में और कई बातें मैं और वीडियोस में बताऊंगा आपको। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।